तुम बिन जिया जाए कैसे। उठ जल्दी उठ जेठिया। वैसे ये गेम तो बहुत अच्छा है। वादा करो ये गेम कभी नहीं खेलोगे मेरे साथ। एक्सरे करा लियो। याद नहीं आ रही। जोर से बोलो। जबरदस्ती है क्या? Hey guys, so welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting a vlog here with the same energy and the same intensity. आज के दिन बहुत ज़्यादा bright and sunny है, like every day. पहले तो AC बंद करो क्योंकि यार ये अगर चालू रह जाता है ना रह ही जाता है। दिल्ली में AC चलाना is like कि तुम oxygen ले रहे हो गर्मियों में। इतना ज़्यादा hot and humid हो रखा है बाहर। Anyways, आज मेरे को और K को जाना है बाहर shopping में and after all बहुत time बाद हम लोग vlog करने वाले हैं start में and it is going to be super exciting. But before going out, I just want to tell you guys one thing. So guys, we all love clear, radiant and glowing skin, including me also. And उन सारे adjectives को पूरा करने के लिए we all need something to do with our skin, right? तो उस चीज के लिए एक ingredient है rice, जो कि South East Asia region में बहुत ज़्यादा use होता है। अब ये concept सिर्फ Korea या तो फिर वहाँ वाले region की नहीं है। हमारे India में भी ये सब चीजें बहुत ज़्यादा use होती थी, like natural ingredients and natural product. And उस चीज का जो process भी होता था, वो भी बहुत ज़्यादा hectic होता था to make that kind of paste and to apply it and फिर उसके बाद resin off करो. But Mama Earth has came with a solution. That is pretty much good and I'm also impressed. जहाँ पे उन्होंने launch करा है rice face wash, vitamin C daily glow lumi cream और rice sunscreen gel. अब rice water face wash में दो main ingredient है, एक तो rice है obviously and एक है niacinamide जो कि आपके skin को वो active glow throughout the day provide करता है. आप लोगों को बिल्कुल tension लेने की जरूरत नहीं if you are using these products on the daily basis because these products are made safe certified. Hashtag glass skin reflection challenge, ये Mama Earth ने challenge दिया है. अगर आप लोग ये product 7 to 10 days के लिए use करोगे then you can see your फेस की जितनी भी ग्रीस है वो सारी सारी हटा देगा, जितना भी ऑयली प्रॉपर्टीज होंगी आपके फेस में, जो भी डर्ट होगा सब हटा देगा. इफ यू आर बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Mama Earth, Mama Earth लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, दैट मींस यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. एंड Mama Earth हैज आल्सो गॉट अ एम टू कंप्लीट, दैट इज बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज. एंड Mama Earth की अब ऑफलाइन प्रेजेंस भी है. अगर आप लोग अपने नियर बाय स्टोर में जाते हो, मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो ऑफलाइन भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे एंड ऑनलाइन तो आप लोगों को पता है Amazon, Nykaa, Flipkart और Mama Earth.in पे आप लोगों को extra 20% off milega if you will use this code of mine KTEN2023. Don't wait, go and buy it for yourself. मैं रेडी होता हूँ. ऑल्सो गाइज, जो चेन्नई स्वामी स्टेडियम का जो व्लॉग है वो बहुत ज्यादा डिले हो गया. आई नो बट इट इज गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ अप्रूवल. वाला व्लॉग मैंने एडिट तो कर लिया है, देखो वाला व्लॉग मैंने पूरा एडिट करके रख दिया है, बट वही है कुछ ब्रांड अप्रूवल्स आने बाकी हैं जिसकी वजह से व्लॉग अटका हुआ है, वरना तो अभी तक लाइव हो जाता है, 2 या 3 दिन पहले लाइव हो जाता. बट दिस इज वन ऑफ अ काइंड व्लॉग ऑन माई चैनल एंड विराट प्लस धोनी ऑन द लास्ट मैच ऑफ IPL जब वो दोनों अगेंस्ट खेल रहे हैं. एज अ वी डोंट नो धोनी भाई का अगले साल होगा नहीं होगा IPL में, फिंगर्स आर क्रॉस. दिस इज ओनली स्टेज जहाँ पे ही इज प्लेइंग राइट नाउ. अगर यहाँ से रिटायरमेंट ले ली देन वी कैन नॉट सी माही भाई प्लेइंग. एंड अभी गौरव भी अभी कुछ धोनी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, वो ट्रक का पेंट वेंट वाला मैंने वीडियो देखा था. देखते हैं उनका वो इवेंट कैसे जाता है, बट आई वॉन्ट टू गेट रेडी राइट नाउ बट आई विल बी गेटिंग लेट. भाई यार बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ. यूजुअली मैं लेट होता नहीं हूँ, हमेशा के लेट कराती है, बट आज मैंने लेट करा दिया बहुत टाइम बाद. के नहीं आने को हो रही है बाहर, वो शायद एक बार बाहर चक्कर लगा के गई है घर वापस, शायद आई एम नॉट श्योर. बट वो वापस आके बोलेगी जैसे मैं तो आई थी बाहर बट तू था नहीं. मैंने ऑन माय वे डाल दिया था पहले जब मैं फेस वॉश कर रहा था. बट अभी तो आजा, आगे 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 आगे. ओह माय गॉड, शी इज वेयरिंग अ सूट, शी इज लुकिंग सो प्रीटी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना? अब बाहर आए थे क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं गेट से बाहर आ रही. थैंक गॉड आई कॉल्ड यू. मैं सो रहा था थोड़ी देर यार. हाँ, थोड़ा सा सो रहा था मैं. थोड़ा सा नहीं सोते आप, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है आप उसमें ढेर सारा सो जाते हैं. क्योंकि काफी अच्छा डिस्काउंट भी है आजकल, मेरा काफी कुर्ती वुर्ती पहनने का मन कर रहा है. कल भी मैंने हेलो, मेरी लिपस्टिक हो गई है कीर्तन की गाड़ी में. कीर्तन होती रहती है ना क्योंकि पूरी तो खत्म होती नहीं है कभी. एक ही लिपस्टिक है जो मैं यूज करती हूँ, लाइक आई डू नॉट हैव बचपन से नहीं, अभी मैंने 2-3 बचपन से गाइस साल... अभी खो गई है, इसलिए अफसोस हो रहा है इसको. मैंने ऑलरेडी ना उसको 2 बार खो दिया है और वो एक ऐसी, एंड आई डोंट यूज एनीथिंग एल्स आल्सो. आई आल्सो डोंट यूज एनीथिंग एल्स. मुझे लग रहा है ना वो सीट के नीचे, अब ढूंढ सकते हैं बिल्कुल जहाँ पे घुसना चाहे सीट के नीचे. मुझे कभी कभी लगता है कि कीर्तन जानबूझ के छुपा देता होगा मेरी चीज. तेरे को चाहिए ना मेरी वाली लिपस्टिक, वो किसको देनी है? मैं बेचता हूँ बाहर. फैक्ट्री आउटलेट में खरीदते हो क्या इससे? कैमरा थोड़ा सा मिस आई कर, आई कांट इवन स्माइल प्रॉपर्ली.
properly. You can't even smile properly. क्या अटक रहा है? Smile ही अटक रही है. संकट मोचन हनुमान मंदिर गली नंबर 6. जय श्री राम, जय गणेश, नमः, जय श्री राम. आज वैसे गोल्ड खरीदना बहुत शुभ मानते हैं. तो बाल कटवा लो, मेरे बाल बड़े हो गए ना यार बहुत ज्यादा. आई थिंक आई शुड गो फॉर अ हेयर ट्रिम सेशन. 100% यस, आई विल स्पॉन्सर यू. आई विल. बम्बुलेंस, बम्बुलेंस, बम्बुलेंस. प्लीज अपने बालों को थोड़ा सा छोटा कराइए, बिकॉज मुझे आपके बड़े बाल नहीं पसंद है. करा लेंगे, मेरी ज़ुल्फ़ें नहीं पसंद आ रही यार. एसी ना एकदम मेरे मुंह पे आ रहा है. कितन को हटा सकते हैं? बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है. तो आप करो फिर. व्हेन यू हैव अ बॉयफ्रेंड और फ्रेंड, यू नो, यू डोंट हैव टू मूव, यू जस्ट हैव टू, यू जस्ट हैव टू से इट इन अ वे कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. लाइक कितन एसी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा कि हम गुस्सा हो जाएंगे. ये इंस्टा एक तो चालू हो जाता है इसका जहाँ देखो तो, और फिर कहते हैं मैं तो इंस्टा यूज ही नहीं करती. आजकल के दिन मेरे बिल्कुल भी वीडियोस मतलब लेता नहीं है. पहले वो इतनी रैंडम इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस लेता था, लेकिन क्या कहें अब, कंप्लेन भी नहीं कर सकते. क्या चीज नहीं करता मैं, रैंडम वीडियोस नहीं लेता था पहले तो. जैसे मैं चल रही होती थी तो पीछे से शूट तो मैं ले लेता हूँ. अब पिछले 6 महीनों से ना ये सब बदल गया है. जब मुझे कह रहा था कि चले जाओ आप बीच से होते हुए बिल्कुल वहाँ पे दुबई चले जाओ. तो ही नोज आई डोंट नो स्विमिंग, दैट्स व्हाई ही सेड इट ना. उसे पता है मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगी आगे. ठीक है तो बता दे मेरे को, इट्स ओके, जा सकते हो. मैं कह रहा हूँ आप एक बार कोशिश करो, कोशिश करने से ही तो होगा. एक बार कोशिश करके देखो, हम गोवा चलेंगे वापस. कैसा लगता है स्मार्ट लड़की के साथ घूमते हुए? बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बट सोचता हूँ कि कुछ थोड़ी स्मार्टनेस कम हो जाए, बट कमी नहीं हो रही है. मेरे को भी हमेशा एहसास होता है कि मैं क्यों घूम रही हूँ उसके साथ. एक्सपोजिंग कंगन, और मेरे पास है बहुत सारी क्लिप्स जो कि एक्सपोज करेगी केतन को. मेरे को क्लिप सही नहीं आपके पास. ये क्या कर रहे हैं? ये बैक कर रहे हैं. मैंने आज वो खाया और मैं तेरे लिए भी लाई हूँ एक चीज, फ्रूट. यार ये सही चीज है यार, बेस्ट है. हर चीज ले आती है, लेकिन इसके पास जो होता है ये शेयर करती है. बेस्ट पार्ट अबाउट ज्यादा मेरी मम्मा बोलती है कि ये ले, केतन खाएगा ये. अरे नेक्सॉन नारियल कोकोनट, शायद वही होता है दोनों का मतलब. इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी स्नैक. मैंने डिसाइड करा है कि मैं कुछ बाहर का नहीं खाऊंगी आपसे. मस्ती गोली बेटा, आप कर रहे हो मस्ती. वन थिंग अबाउट केतन, उसे झूठ बोलना नहीं आता. मतलब उसको लगता है कि वो सही से झूठ बोल रहा है, बट वो बहुत ऐसा झूठ बोलता है जो सामने से आप पकड़ सकते हो. ABCD होती है ना, तो Z तक कुछ भी बोलना है. जैसे मैं बोल रही हूँ A से आओ कभी, तुझे B से बोलना है बोलो ना, फिर मुझे C से बोलना है चलते हैं. और वो रिलेट करना चाहिए. नहीं रिलेट रिलेट का 1 2 3 टू स्टार्ट. मैं क्यों स्टार्ट करूं? अरे मैंने गेम बताया. अभी करो. बताओ क्या? चुन चुन के मारूंगा. ढोकला खाना है? इजी है मेरे लिए. फाफड़ा खा लो. गधा नहीं हूँ मैं. हाँ हो गए. इसलिए तो हूँ मैं. जोक बहुत अच्छा था. कल आना कल. मेरे को ऐसे मत बोलो. L होता है KL. MM बोल दिया. वाह. ABCD on the top boys. ब्रेक कट कर देना प्लीज. मुझे क्या करना है? नाना मत करो. ओ सुन, पागल हो क्या? क्यूटी हो गया. रास की बात बताऊं? यार क्यू से मैंने क्यूटी बोल दिया यार. रास की बात बताऊं? सपने में आती हो. तुम बिन जिया जाए कैसे? उठ जल्दी उठ जेटिया. बाद में टाइम नहीं, बाद में आना बच्चा. वैसे ये गेम तो बहुत अच्छा है. वादा करो ये गेम कभी नहीं खेलोगे मेरे साथ. एक्सरे करा लियो? याद नहीं आ रही. जोर से बोलो. जबरदस्ती है क्या? ये वी कंप्लीटेड द होल गेम गाइस. दो हम लोग काफी एल से पहले एम आया था यार आज. हो जाता है कभी कभी, ठीक है हो जाता है. पहुंच गए हैं. शॉपिंग वाला थोड़ा सा पार्ट है, जल्दी कर ले. क्या लेने वाले हो आप यहाँ से? थोड़ा सा तो आइडिया दो. मैं कुछ दिन बाद दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही. कितने सीक्रेट सकती है यार. वैसे आज बहुत अच्छा दिन है गोल्ड. सो हमारा काम 5 मिनट में खत्म, 5 मिनट 2 मिनट में खत्म हो गया. एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट दैट. दिमाग में बोल दो ना एक बार. चले दो दिमाग में बोल दो. सब टाइटल दे देना केतन यार. सब टाइटल नहीं दे सकता अपने व्यूअर्स को. हाय मैं तो थक गया. कैसे थक गए? गाड़ी चलाते मजाक है क्या? छोटी बच्ची हो अभी तुम. गांधी जी की एक आपने वो सुनी है स्टेटमेंट? बुरा मत सुनो बुरा मत. नहीं यार एक स्टेटमेंट है जो है बिल्कुल सेम, बट उसको अलग फ्रेज में बोलोगे ना तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगे. मारो मत रहने दो. मारो मत रहने दो. अरे यहाँ पार्किंग कर सकता था मैं. यहाँ आगे कर देना, कोई नहीं यहाँ पे. वैसे भी ना देखो कितनी प्रीमियम पार्किंग थी, देखी थी यार. थोड़ी सी रिवर्स करके लगा ही देता हूँ वहाँ पे. ये शायद निकल रहा है. पूछना निकल रही है. लेट्स गो शॉपिंग गाइस विद KNK. लेट्स गो गाइस. एक बंदी एक्साइटेड है, एक बंदा थका हुआ है ऑलरेडी. थका नहीं हुआ मैं, एक्साइटेड नहीं हुआ. इट्स अ लवली डे माय फ्रेंड्स, लवली डे. इतना जल्दी शॉपिंग होगी उतनी जल्दी तो वापस आएंगे. तो अभी हम लोग जा रहे थे तिलक नगर. दिस इज द वे टुवर्ड्स द तिलक नगर मेन मार्केट. और हम लोगों को यहाँ पे एक ब्रेड पकौड़े कचौड़ी की शॉप मिल गया. ये तो खाएगी नहीं, बट मेरे को लगे तगड़ी भूख. आई वॉन्ट टू हैव समथिंग. गर्मी में गर्म गर्म खाना थोड़ा सा रिस्की है. बोलो ना भैया को इतने. देख कचौड़ी दे दो.
से खा रहा है जाके। मेरे को ना थोड़ा पेस्ट ही होता है खाने के लिए, बट नीतिन को सिर्फ खाना चाहिए। So now we are going back home. You were disappointed? Also guys, Eid Mubarak to each and everyone watching this vlog. So now we are back home. मतलब मैं तो घर जाऊंगा इसके बाद, बट पहले केक को ड्रॉप करेंगे। सही में जिस मूड से आई थी ना मैं, उस मूड से जा नहीं रही। कोई दुकानदार ने इसका मूड खराब कर दिया बहुत ज्यादा। कोई नहीं, आज रात को ना सारे मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट में तो नहीं मिलते, बट जिसमें भी मिलते हैं सारे छान डाल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज रात को भी मैं शायद से लेट ही घर आऊंगा, क्योंकि रेबल के घर जाऊंगा, आफ्टर डिनर जाऊंगा 10-11 बजे, फिर आऊंगा भी रिटर्न लेट ही। तो अपने अभी बहुत सारे पेंडिंग काम निपटा रहा हूँ, जिसमे से एक है अपना ये वाला व्लॉग। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि लास्ट ईयर आईपीएल मैंने जब व्लॉग डाला था स्टेडियम बैठ के, तब वो बहुत ही ज्यादा सुपर हिट व्लॉग किया था ना, आप लोगों को पसंद भी आया था। एंड होपफुली इसके जैसे सेम एक और बार मैं जाऊं स्टेडियम में इसी आईपीएल सीजन में। बट एक क्रेजी चीज पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है अभी, इस साल तो इंडिया में ही वर्ल्ड कप है भाई, मजा आ जाएगा इस साल तो बहुत सारी क्रिकेट देखने के लिए, बट उतना टाइम नहीं होता क्योंकि स्टेडियम जाना आना। अभी दिल्ली में भी इतने मैचेस नहीं होते, रिमोटली हम लोग कहां ही जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में इतने अच्छे मैचेस नहीं रखते। वर्ल्ड कप वाले भी लास्ट ईयर जो रखा था, लास्ट जब इंडिया ने होस्ट करा था वर्ल्ड कप, तब नेदरलैंड्स का मैच था या शायद एक वेस्ट इंडीज वाला था, मतलब बहुत इतने इंटरेस्टिंग मैच नहीं होते हैं। या तो ईडन गार्डन में होता है, तो वानखेड़े में होता है, या तो फिर इस साल तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मोस्टली अच्छे मैचेस होंगे। दिल्ली वालों को कुछ देखने को नहीं मिलते अच्छे मैचेस यार, क्योंकि पिच भी यहाँ की डेड है, ग्राउंड भी छोटा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8:18 एंड अभी मेरे को 10 बजे के आसपास निकलना है रेबल के घर। कल संडे को वापस से प्लान है कि हम लोगों को शॉपिंग में जाना है, क्योंकि आज जो काम और सामान नहीं मिल पाया हम लोगों को, केक और मुझे, तो कल हम लोगों को जाके वो सारी चीजें खत्म करनी है जो भी पेंडिंग वर्क है हमारे। 12:00 midnight तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रेबल के घर पे। रेबल के घर पे आप लोगों को पता है किस तरीके से वेलकम होता है सारे शेड्यूल मेंबर्स का, तो आज मैं बहुत ज्यादा लेट जा रहा हूँ। एंड सिंस आई डोंट ईट एनी काइंड ऑफ नॉन वेज वगैरह, तो वो जो प्रॉपर महफिल जमती है वो महफिल शायद नहीं जमेगी। बट हाँ, ईद मुबारक। ये क्या स्टार स्टार पहन रखे हैं दोस्त, और लेट आ रहे हैं, मतलब उनका अरे कोई सीन नहीं, घर पे बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, हम लोग आ चुके हैं रेबल के, ये पीसी सेटअप रूम ही बोलूंगा मैं इसको, यहाँ पे सोता तो होगा नहीं तू, यहीं पे बेड भी लगा ले भाई, तू लेट जाता इतने में, तू आ जाता फिट। भाई हालात इतने खराब है, कभी कोई आ रहा है, कभी दोस्त, कभी कुछ, कभी कुछ, ये चल रहा है। लोगों ने ये बुकिंग कर दी कल मिल रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्त कल भी आए। अभी दिल्ली में चल रही है मस्त बाहर ठंडी हवा, हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा दावत जो रेबल ने नीचे बनाई है उसका थोड़ा सा मजा लेने के लिए बनाई है ब्रो। मतलब तूने ही तो इंतजाम से तूने करा ना, आंटी ने बनाई होगी ना। हाँ। भाई बहुत सुना है मैंने तो, मैं पहली बार खाऊंगा इसके घर का खाना। फर्स्ट स्पून ऑफ ईद पिघल का मामला है यार अंदर सारा। मैं रेबल को यही बता रहा था, दिल्ली के लौंडे आते हैं रात को 2 बजे ईद मना दे, बाकी लोग आते हुए दोपहर को। Guys, रेडी हो चुका है हमारा 56 भोग, वेल नॉट एग्जैक्टली 56 भोग, 56 भोग तो पूरा भरा होता है, लाइक टेबल भी कम पड़ जाती है। एंड आज तो यहाँ पे दही भल्ले है, जो रेबल क्लेम कर रहे हैं कि उसकी मम्मी की स्पेशलिटी और सबसे बेस्ट है। भाई देखो फट जाएगा लोगों का। दो टाइप की सेवैयां हैं, मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, रेडी, वेरी मच रेडी, आई एम वेरी मच रेडी फॉर एवरीथिंग। हेवन भाई कहाँ गया भल्ला, मुंह में तो डाला था बट खा गया। दिस इज स्पेशल ब्रो, क्रेजी है भाई। अभी मैं 5 लेके आया हूं। तू 5 खाएगा अभी? ये खा चुका है, अभी मन चीज कर रहा है अभी रात की। मैं सोच रहा हूँ ईद है ठीक है, मोस्टली बिरयानी फेमस होती है, बिरयानी, सेवैया और ये सब, जो मतलब लोग खाने के लिए तरस जाते हैं। सिंस आई डोंट ईट नॉन वेज, मैं सोच रहा हूँ कि नॉन वेज वाले लोग कितना पागल होते होंगे वो वाली बिरयानी खा के। बट वेज के लिए सोचना, पुलाव भी बढ़िया है भाई। नॉन वेज तो देख, मतलब बिरयानी, ये वेज के लिए इतनी सारी चीज है, ये वेज है प्योर, ये टेस्ट करना है। ये हमारे गाइस घर की स्पेशल सेवैया, इसको बोलते हैं किमामी सेवैया। पहली बार खा रहा हूँ ऐसा कुछ लाइफ में। सबका यही है कहना, पूछी नहीं है, गेमिंग हाउस मंगवाई है, है? बस तेरे प्यार में खा रहा हूँ क्योंकि मेरी यही फेवरेट चीज है। लोगों ने खाना खत्म करा है 15 मिनट पहले, यहाँ पे नावी और हीरोइक का मैच चल रहा था। दिस वॉज द स्कोर, नावी हार गई, बट इट वॉज गुड मैच, फूड वॉज ऑल्सो गुड। एंड एज आई सेड, मैंने ओवर ईट कर लिया है एंड अभी मेरे से चला भी नहीं जा रहा है, इतनी देर से उआ उआ चल रहा है। मीनवाइल इसने भी बिरयानी पहन ली है एक प्लेट। इट्स टाइम टू गो बैक होम, इट्स 3:10 AM इन द मॉर्निंग। बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना खाना खा लिया मैंने अभी कल दोपहर तक, आई डोंट थिंक सो आई कैन ईट एनीथिंग। मेरे को नहीं पता मैंने लास्ट टाइम ऐसा खाना और इतना सारा खाना कब खाया हो। 24 मिनट दिखा रहा है मेरे को घर पहुंचने के लिए, भाई आई डोंट थिंक सो मैं चला पाऊंगा। जस्ट रीच बैक होम, 3:40, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप राइट नाउ। बहुत आई डोंट नो मैं कितना बोल रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ, बट सीरियसली इट्स गेटिंग सीरियस राइट नाउ। ये वाला व्लॉग करते हैं पे एंड, आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना, एज ऑलवेज बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय।
होगी बहुत है, तूने देख लिया कितना स्टॉक है। माफिया है कभी यहाँ पे? हाँ उस घर में है। उसने कभी खाना खाया है? बहुत देर तक, बहुत ज्यादा खा लिया होगा, बहुत देर तक बहुत देर तक खाया है। तू आया नहीं ना मेरे घर कभी खाने? कभी नहीं, मतलब आई थिंक सबसे पहले मैं तेरे घर में मैं ही आया था, बट मुझे छोड़ने आया था। हाँ बट मैंने खाना कभी नहीं खाया।